पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की सूचना प्रदान करने वाला ऐप आरोग्य सेतु ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आपका आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का कौन सा देश ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को पूरी तरह फ्री करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, लग्जमबर्ग, यानी आपका बी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। ये सब आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 20 से आपका 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से है, तो इसको आप इग्नोर ना करिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट करना चाहते हैं तो। किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको याद रखिएगा। देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 6, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा, डेनिस मिशगन, याद रखिएगा आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि ईच ऑफ इक्वल थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको याद रखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई, भारत के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो याद रखिएगा, कुलो पालमपुर अभ्यारण्य में इनको रखा जाएगा, यानी आपका उत्तर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के कुलो पालमपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा, मध्य प्रदेश, MP। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति विभाग की स्थापना की है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है? तो आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा आंसर करिएगा, तो सी हो जाएगा, ICICI, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 नंबर, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से असत्य के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आपका, देखा जाए तो पहले शुरू से ऑप्शन ए से देखते हैं कि दिसंबर 2020 में इसका आयोजन ब्रिटिश में यानी ब्रिटेन में किया गया था, सही है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, ये भी सही है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ये भी सही है, लेकिन मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश नहीं है, ये आपका डी गलत हो जाएगा, मैसेडोनिया 29वां नहीं 30वां सदस्य है, याद रखिएगा 30वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, BCCI ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सुनील जोशी, याद रखिएगा, ठीक है, सुनील जोशी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा जारी डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो याद होना चाहिए सभी को आंसर, सी हो जाएगा, ऋषिकेश में, क्या हो जाएगा, ऋषिकेश में, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, विश्व वन्य जीव अभ्यारण यानी विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये आपका 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव को पारित किया है? आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं,
जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संबंध में सत्य नहीं है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका इसमें से पूछा गया है कौन सा सत्य सही नहीं है, तो आपका 1 और 3 सत्य नहीं है, 1 और 3 ये आपका गलत है। बाकी दूसरा आपका इसकी कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम में होगी, ये आपका सही है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, भारत, याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि चेक गणराज्य की मुद्रा का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर आपका 19 का ए हो जाएगा, कोरोना, क्या हो जाएगा, कोरोना, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु किस समिति का गठन किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ कांत, याद रखिएगा अमिताभ कांत आपका सभी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि 13 से 16 जनवरी के मध्य विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद होना चाहिए सभी को, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू धाबी में, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान आपका देखा जाए तो 72वां है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रति माह नो व्हीकल डे मनाया, यानी मनाने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब करंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान में, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी इसमें से पूछा गया है कौन सा सुमेलित आपका गलत है, तो आपका आपका डी हो जाएगा, वेबनाथ आपका कर्नाटक, ये आपका गलत है। देखिए 25 का आंसर आपका डी हो जाएगा, वेमनाद आपका कर्नाटक नहीं, ये आपका केरल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं कि किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? चलिएगा आंसर करिएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सेंटोस हो जाएगा, यानी आपका बी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये आपका 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पोषक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपका 28 का डी हो जाएगा, हैदराबाद में। देखिए अगर आप देखें तो वन्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो आपका देहरादून में पड़ता है, और बात करें पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग आपका कोलकाता में पड़ता है, और आयुर्विज्ञान संस्थान अगर पूछा जाए तो आप दिल्ली मारिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, कौन सुमेलित नहीं है, यानी सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताना है और देखना है कौन सा गलत है। तो देखिए आपका ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर, यही आपका गलत है, ठीक है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर होना चाहिए, ठीक है, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, डाइक्लोफिनेक, यानी आपका डी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कि आखिर ये दवा देने से गिद्धों को क्यों मौत आ गई है। देखिए डाइक्लोफिनेक प्रायः पशुओं को दर्द निवारक के रूप में दिया जाता था, पशुओं की मृत्यु के बाद गिद्ध इन्हें अपना भोजन बनाते थे, अंततः डाइक्लोफिनेक के कारण गिद्ध यानी विलुप्त यानी मरने लगे थे, याद रखिएगा। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो आंसर आपका 31 का डी हो जाएगा, वलित पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 पे आते हैं, कहता है कि डेविस जलसंधि किसे जोड़ती है? डेविस जलसंधि किसे जोड़ती है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा।
और हडसन जल संधि देखा जाए तो आपका हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर के बीच में जोड़ती है। अब आते हैं 33 पे। देखिए कहता है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो पावर चलाया गया था, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑपरेशन जीरो आवर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में चलाया गया था, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं 34 पे। किस व्यक्ति ने रोलेक्ट एक्ट को जानबूझकर की हत्या, यानी जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था, याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, सी एफ एंड्रयूज, यानी बी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 35 पे। वन्य संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 35 का आंसर ए हो जाएगा, 1980 में। देखिए भारत सरकार ने वनों को संरक्षण तथा विकास के उद्देश्य से 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया था, इसको याद रखिएगा। 36 पे देखते हैं कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी जल वाष्प, मीथेन और वजन, यानी ओजोन, इसको याद रखिएगा, डी आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 37 पे। 37 का आंसर देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं कि सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक होते हैं क्या, कौन कौन से, तो याद रखिएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, यानी डी आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका में, कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, 39 का आंसर करिएगा, इसमें देखिए आपका आंसर एन्नोर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यही आपका गलत है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, 40 पे आते हैं। कहता है कि सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, वी कृष्णा स्वामी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कहता है कि गैसो हॉल मिश्रण है, बताइएगा गैसो हॉल, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, 90% पेट्रोल प्लस 10% अल्कोहल की मात्रा देखने को मिलता है गैसो हॉल में। क्वेश्चन नंबर 42 आता है कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43, सुमिलित करके बताना है, चलिएगा आंसर करिएगा, तो आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा, यानी अमीटर आपका विद्युत धारा हो जाता है, उसके बाद हाइग्रोमीटर देखा जाए तो आपका सापेक्षत आर्द्रता, बैरोमीटर आपका देखा जाए तो दाब, उसके बाद वाट आपको सभी को पता ही होगा शक्ति, तो इस तरीके से आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो आंसर याद रखिएगा आपका चीन हो जाएगा। देखिए सार्क की स्थापना देखा जाए तो 1985 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय आपको पता ही होगा काठमांडू में है, और इसमें 8 देश कौन कौन से हैं इसको भी जानना जरूरी है। देखिए मालदीप, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका, यानी इसमें चीन आपका नहीं दिया हुआ है। अब आते हैं 47 पे, दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है, दीपा मलिक का संबंध देखा जाए तो आपका पैरा गोला फेंक से आपका हो जाता है, ठीक है। एक दीपा मलिक हैं और एक दीपा कर्माकर हैं, तो दीपा कर्माकर को याद रखिएगा, दीपा कर्माकर आपका जिम्नास्टिक से संबंधित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई, तो आंसर आपका 48 का सी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और याद रखिएगा 29 जुलाई, देखिए 29 जुलाई राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, डब्लू डबल फॉल्ट
यानी ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा 50 का आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी लॉन टेनिस से, यानी सी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि प्राकलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं प्राकलन समिति के संबंध में क्या क्या दिया हुआ है। तो आपका आंसर केवल 4 हो जाएगा, यानी कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। कहता है कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? चलिएगा आंसर करिएगा, तो 52 का आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की सम्मेलन देखा जाए तो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताना है। देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी भाग 5 आपका अनुसूचित और जनजाति के क्षेत्र में आपका हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी देखा जाए तो आपका सी में चला जाएगा, क्या बोलते हैं, सी में, एकदम सही है। और भाग ऑप्शन सी देखा जाए तो आपका डी में जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको देखते हैं कहाँ क्या। अच्छा अब समझ में आया, ठीक है। देखिए आपका पहले का ए में जाएगा, जिस तरीके से 53 का आंसर डी दिया हुआ है, पहले का आपका ए में जाएगा, यानी पहले का ए में जाएगा और दूसरे का सी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे का डी में जाएगा और आपका जो बचता है चौथे का आपका बी में जाएगा। तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया था क्या? याद रखिएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया था, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, डी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखित न्यायालय का दर्जा देता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 215। क्वेश्चन नंबर 56 भारत की राज्य भाषा निम्न में से कौन है, यानी कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी, यानी सी उत्तर आपका हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 57 भारत का संविधान किस प्रकार का है? ये तो सभी को पता ही होगा कि भारत का संविधान साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है, यानी सी आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो ये अधिकार आपका संघ की संसद के पास रहेंगे, यानी सी आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 298 के अनुसार संघ के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होगी, वैसा अधिकार जिन्हें किसी सूची में नहीं रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने, यानी देना पड़ता है? तो आंसर आपका 59 का सी हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव, यानी याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं कि लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में कौन सही कौन गलत है, ये बताइएगा। तो आपका सही पूछा गया है, तो सही आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 और 3, इनमें से कुल 22 सदस्य होते हैं। इन समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातित प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है, आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस सूची के अंतर्गत नहीं आता है? याद रखिएगा तो आंसर आपका 61 का बी हो जाएगा, मणिपुर। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 62 पे। तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय बिंदु था? तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 12वीं में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा,
सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, यानी आंसर आपका सी उत्तर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि निम्न में से कौन भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, तो आंसर आपका 64 का ए हो जाएगा, 1966 से 69 के बीच में। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफल भारत पाक युद्ध के कारण आर्थिक अस्थिरता तथा भीषण सूखे के कारण अगली पंचवर्षीय योजना को विराम दे दिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, कहता है कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1994 में। अब इसके बारे में देखते हैं कि 19 अगस्त 1994 को चालू खाते के संदर्भ में रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि सार गैसों क्या है, तो याद रखिएगा समुद्री वनस्पति क्षेत्र है, यानी सी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि डायमेंटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, हिंद महासागर में। देखिए हालांकि विश्व की सबसे बड़ी गहरी खाई आपका मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई देखा जाए तो 11,033 मीटर आपका हो जाता है लगभग में। क्वेश्चन नंबर 68 बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में, यानी सी आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरिक रूप कौन सा है, तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी नीस, यानी देखा जाए तो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेनाइट का रूपांतरित पूछा गया है, अगर बेसाल्ट का देखा जाए तो आपका सिल्ट हो जाएगा, और अगर देखा जाए चूना पत्थर का तो आपका संगमरमर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह किसने कहा था, यह कहा था ऑप्शन डी हो जाएगा 70 का, यानी वल्लभ भाई पटेल ने, याद रखिएगा, यानी सरदार पटेल ने मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई परेशानियों के कारण ये कहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, अंतिम यानी अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा 5, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा, विलियम ली वार्नर, ए आपका आंसर सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है, तो सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, पंचतंत्र का। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं 73 अकबर के समय अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवार ए सुहाइली के रूप में किया था, इसको याद रखिएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है, तो प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा पुर्तगाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे, 1857 ईस्वी के युद्ध में ब्रिटिश का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला शाह, यानी सी आपका उत्तर हो जाएगा, इसको सबसे कट्टर माना जाता था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया, तो आंसर आपका बी हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद नेतृत्व किया था, ठीक है, उनके मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा था, तो ये 28 माह तक चला था, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 सरस्वती पत्रिका का संपादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता था, तो आंसर आपका 78 का सी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया,
तो आंसर आपका डी हो जाएगा 79 का ऑप्शन डी 1, 2, 3, यानी महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, मैकडोनाल्ड आयोग किससे संबंधित था? मैकडोनाल्ड आयोग किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा अकाल जांच, यानी सी आपका उत्तर यहां पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया? तो आंसर आपका सी हो जाएगा 1879 में। देखिए आपका सी उत्तर, याद रखिएगा ये अधिनियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 82, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो आंसर आपका 82 का ए हो जाएगा, यानी रामानंद, ए आपका आंसर सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे, कहता है सुमिलित करके बताना है। देखिए सूची 1 और सूची 2 को देखिएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति आपका आजाद शत्रु हो जाएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति आपका चला जाएगा काला शोक, उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति आपका चला जाएगा अशोक में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क चला जाएगा। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी के, एक मिनट देखते हैं, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर देखा जाए तो आपका 84 का डी हो जाएगा, 4-3-2-1, यानी अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, उसके बाद रोलेक्ट, फिर आपका असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 85, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में डीएनए होता है? तो 85 का डी उत्तर हो जाएगा माइटोकांड्रिया, यानी डी आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी बी आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 87, किन गुणों में हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी प्रोटीन नहीं है, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, न्यूटन का प्रथम नियम यानी न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहलाता है? तो इसको याद रखिएगा, प्रथम गति नियम पूछा गया है, तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम। इसको आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझिएगा कि वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर बाह्य बल कार्य करता है, यह प्रवृत्ति उसके जड़त्व के कारण होता है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम हम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? विटामिन ए के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आपका जीरोफ्लेमिया हो जाएगा, ठीक है, ए आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं कि एक बायोटेकिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, सोनोग्राफी का। देखिए सोनोग्राफी एक चिकित्सक प्रक्रिया है जो शरीर के अंदर अंगों, ऊतकों या फिर रक्त प्रवाह की गतिशील दृश्य छवियों का उत्पादन करने के लिए एक आवृत्ति ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 91 पाते हैं कि एक लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झुकने की अवधि क्या होगी? तो लोलक की झुकने की अवधि देखा जाए तो आपका 2 गुनी हो जाएगी, बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है, चलिएगा आंसर करिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा, CO N2 और CO2, यानी ए आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, कैल्सिटोनिन, क्या हो जाएगा, डी आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा, डिम्बवाही नलियां, क्या हो जाएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा 94 का। इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं कि एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर आपका 95 का हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखिए दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन अलेक्जेंडर यानी पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट
पाचन का अंतिम उत्पादक है, यानी उत्पाद है। तो याद रखिएगा सी उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी रिपोर्ट के अनुसार जयपुर देश का सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन है, सही है। रिपोर्ट के उत्तर पश्चिम रेलवे जोन को 2019 में सबसे स्वच्छ रेलवे जोन बताया गया है। ऑप्शन सी कहता है कि यह सर्वेक्षण भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किया गया है। नोमैडिक एलिफेंट 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, मंगोलिया के बीच में। याद रखिएगा भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि अक्टूबर 2019 में फाटप यानी FATF ने किस एशियाई देश को ग्रे सूची से बाहर किया है? तो आंसर आपको पता ही होगा, श्रीलंका हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। कहता है कि सितंबर 2019 में किस शहर में साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, नई दिल्ली। याद रखिएगा नई दिल्ली आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आपको जी जान लगा के तैयारी करना है, इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे इसके लिए कितना भी पढ़ना पड़े। तो चलिए, आपको डेली बेस पे वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा और एक बार शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी बेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।